हेलो दोस्तों, आप सबका माय टॉपसी टर्बुलेंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आप सबको दिखाने वाली हूँ कन्यम, जो कि नेपाल में इलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ का एक होटल, जिसका ना तो सिर्फ होटल ही अच्छा है बल्कि वहाँ का व्यू भी बहुत अमेजिंग है। इस होटल का नाम है होटल ग्रीन कारपेट। दोस्तों, हम लोग सुबह 4:45 में मधुबनी से निकले थे और 2 बजे कन्यम पहुंच चुके थे, जिसकी रास्ते की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की हुई है। जिन लोगों को रास्ते का इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ये है होटल ग्रीन कारपेट। आप देख रहे होंगे यहाँ का व्यू, और ये होटल बाहर से ही कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि होटल के अपने पार्किंग एरिया भी हैं, तो आपको यहाँ पार्किंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ होटल के बाहर का तो व्यू सुंदर है ही, लेकिन जैसे आप होटल के अंदर आओगे तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि यहाँ का अंदर में भी कितना सुंदर लग रहा है। ये है इनका रिसेप्शन। आप देख रहे होंगे कि इन्होंने रिसेप्शन को भी कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। और यहाँ नेपाल में ड्रिंक करने के बोतल बहुत कॉमन है। हर छोटे बड़े शॉप या होटल रिसेप्शन पर ये बहुत अच्छे से सजा हुआ रहता है। और अब चलिए मैं आपको यहाँ का रूम दिखाती हूँ। ये कॉटेजेस बने हुए हैं जिसमें कि 5-6 रूम हैं, और इसके हर रूम के विंडो से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। इनके कॉटेज के जो 5-6 रूम हैं, उसमें 2 सिंगल सिंगल बेड लगे हुए हैं, और ये है विंडो से इसका व्यू। अभी बादल लगे हुए हैं इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो यहाँ से माउंटेन व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। ये आप देख सकते हैं कि रूम कितना नीट एंड क्लीन है, और रूम में 2 बेड लगे हुए हैं, एक टेबल है, एक चेयर है, और एक छोटा सा रैक है जिसमें आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। और ये है इनका बाथरूम, ये भी बहुत ही साफ था और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैं आपको इस रूम का टैरिफ बताऊं तो 1500 नेपाली करेंसी है। आप चाहो तो नेगोशिएट भी कर सकते हो। और ये न्यू बिल्डिंग बना है, इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रूम बने हुए हैं। मैं नीचे जिस रूम में थी वो आपको दिखाती हूँ। जैसा आप अंदर आओगे तो इसमें एक डबल बेड है, और उसके साथ एक टेबल है और सोफा है। और ये रूम में एक एरिया बना हुआ है जहाँ 2 चेयर लगे हुए हैं, वहाँ आप बैठ के व्यू का आनंद ले सकते हो। और इस रूम का टैरिफ है 2000 नेपाली करेंसी। और ये रिसेप्शन के जस्ट बगल में सिटिंग एरिया बने हुए हैं, यहाँ आप कुछ पार्टी चाहो तो ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। और यहाँ आप बैठ के लंच या फिर डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि कुछ लेडीज यहाँ पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। इन्होंने अपने खाली स्पेस में हर जगह इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं, देख के मन खुश हो जाता है। इस होटल की मैं आपको खास बात बताऊं तो ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ आपको अच्छे रूम के साथ साथ अच्छी फैसिलिटी भी मिल जाती है, और साथ में यहाँ का व्यू भी आपको बहुत सुंदर मिलता है। जैसे जैसे होटल के पास आओगे आप, तो सुंदर सुंदर हरी भरी वादियों में एकदम सा कलरफुल होटल है ये, जो कि दूर से ही आप देख के इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे।
ये आप देख रहे होंगे कि अंदर आते ही कितना सुंदर सा लग रहा है। इतने सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे और फूलों के बीच में ये झूला लगा हुआ है, जहां आप कुछ देर बैठ के मौसम और व्यू दोनों का एंजॉय कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको ऊपर का रूम और वहां से व्यू दिखाती हूँ। इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 रूम बने हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो कि कितने सारे प्लांट्स हैं और यहाँ सिटिंग एरिया है। और ये ऊपर के रूम है। और यहाँ पे ये लंबा सा बालकनी बना हुआ है और एक यहाँ पे बाथरूम भी है। और ये आप देख रहे होंगे कि इसके चारों तरफ व्यू कितना सुंदर है। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि आपको यहाँ का नज़ारा देखने में कितना मज़ा आएगा। हम सितंबर के फर्स्ट वीक में गए थे, इसलिए यहाँ का वेदर और भी अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी और कभी-कभी बारिश भी हो रही थी। वैसे तो यहाँ का वेदर हर सीज़न में ही अच्छा रहता है, गर्मी यहाँ नहीं पड़ती है। और अगर आप दिसंबर में आओगे तो बहुत ठंड रहती है यहाँ। और ये है टेरेस से व्यू इसका। हम जब इससे पहले कन्याम आए थे तो ये जो आप पीछे में होटल और दूसरे बने हुए देख रहे हो, ये नहीं बने हुए थे, तो यहाँ से और भी सुंदर व्यू आता था। और यहाँ से ये कन्यम व्यू पॉइंट भी दिखता है, जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में दिखाया था। और ये व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा कन्यम दिखाई देता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। ये है होटल से बाहर का व्यू, जिस रास्ते से आप आते हो इस होटल में। और आप होटल के बाहर आके भी इस साइड जा सकते हो। ये होटल के बैक साइड का व्यू है। यहाँ आप जाके फोटो वीडियो बना सकते हो या आप कुछ देर ऐसे ही आराम से बैठ सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।